तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जो लोकी की ट्रेलर में वो बैठी हुई लड़की देखी थी या औरत देखी थी, जो भी थी, वो थी कौन, क्योंकि पीछे से तो वो बिल्कुल ब्लैक वीडियो जैसी दिख रही थी। और पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो एक्चुअल में थी कौन, मैंने बताया वो लेडी लोकी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी की भी वीडियो देख के आ जाते हैं, जिनको ना फुल जानकारी होती है और ना ही वो ध्यान से वीडियो बनाते हैं, और उनकी वीडियो देख के मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं था। तो भाई दोबारा से मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। और तब भी आपको लगता है कि वो ब्लैक वीडियो ही थी तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता, आप मार्वल का कंटेंट देखना छोड़ दो। तो चलो यार, अब फाइनली आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अब मैं दोबारा से बता दूं, वो औरत जो थी बैठी हुई ब्लैक वीडियो नहीं थी। हाँ, मुझे भी पहली नजर में जब देखा तो मैंने सोचा यार ये तो वॉर्मिर का सीन है और ब्लैक वीडियो वापस आ गई है। लेकिन जब मैंने बाद में ध्यान से देखा और फिर मैंने कुछ लीक फोटोज और इमेजेस देखे, तब मुझे पता चला यार वो ब्लैक वीडियो नहीं है। एंड ये चीज 100% कंफर्म मैं बोल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में शायद बोला था कि लोकी हो, लेडी लोकी हो सकती है, लेकिन अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कंफर्म बोलता हूँ कि वो लेडी लोकी ही थी। और उनके कैरेक्टर का जो रोल प्ले कर रही हैं, वो प्ले कर रही हैं सोफिया दी मार्टिनो। आप इनकी ये फोटो देखो, ये है इनकी ओरिजिनल फोटो, और फिर आप वो लोकी की मूवी का सीन देखो, सेम लग रहा है ना बाल। चलो अब इनकी ओरिजिनल फोटो को हटा के अब मूवी वाले सीन की फोटो देखते हैं। तो लोकी की जब शूटिंग हो रही थी तो उस टाइम पे एक लीक्ड फोटो सामने आई थी, एक नहीं बहुत सारी आई थी, लेकिन एक फोटो में हमें लेडी लोकी दिखाई गई और सोफिया डी मार्टिनो ही थी वो। आप इनके कॉस्ट्यूम देखो और उसके बाद आप इनके बाल देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है। एंड गाइज मैं 100% बोल रहा हूँ, आप अभी लोकी की जब सीरीज देखना उसके बाद अगर ये ब्लैक वीडियो निकली ना, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट कर देना, सिंपल बात है। तो गाइज, और अगर आप लेडी लोकी के बारे में नहीं जानते हो तो आप कॉमिक्स से जाके कुछ डिटेल ले सकते हो, या फिर कुछ अच्छे लोगों ने वीडियोज भी बना रखी है यूट्यूब पे, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि लेडी लोकी एक्चुअल में है कौन। और इस सीरीज में हमें अलग अलग मल्टीवर्सेस और टाइमलाइंस देखने को मिलने वाली है, इसलिए इसमें हमें लेडी लोकी देखने को मिलेगी। और गाइज इसमें और कोई कैरेक्टर वापस क्यों नहीं आ सकते हैं, उसके भी रीजन मैं बता देता हूँ। देखो तो ब्लैक वीडियो जो है नताशा रोमानोव की, वो आखिरी मूवी है, वो इतनी जल्दी ही अगली सीरीज में यानी लोकी की सीरीज में ब्लैक वीडियो को वापस नहीं ले आएंगे, ठीक है, वो भी इतनी जल्दी। और उसके साथ साथ गाइस अभी तक कोई ऐसी न्यूज नहीं आई, कोई ऐसे रूमर नहीं आए हैं जो ये साबित कर सकें कि ब्लैक वीडियो जो है वो इस मूवी में होने वाली है। लेकिन सोफिया डी मार्टिनो जो है वो 100% कंफर्म है इस मूवी में है, और वो वहाँ पे जो औरत बैठी हुई है वो एक्चुअल में सोफिया डी मार्टिनो ही है। और उसके साथ साथ गाइस लोग बोल रहे हैं कि ये वॉर्मिर का सीन है, तो गाइस मेरे हिसाब से वॉर्मिर का एक्चुअल में सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसा बताया था आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्यूचर टेक और कुछ मशीन्स रखी हैं जो कि शायद उस पे डिगिंग कर रही हैं या माइनिंग चल रही है उस जगह पे। तो वॉर्मिर में तो माइनिंग चल नहीं सकती है क्योंकि ह्यूमन इतने एडवांस नहीं है, या फिर और जो वॉर्मिर के रहने वाले लोग हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं ना, वहां पे थोड़ा अलग ही सीन है, वो क्रीचर्स टाइप के हैं, तो वो डिगिंग और यहां पे माइनिंग करेंगे नहीं, ठीक है, तो वो वॉर्मिर का बिल्कुल भी सीन नहीं है। वहां पे लोकी भले ही किसी को बचाने गया है ये मेरे को मालूम है, लेकिन वो ब्लैक विडो नहीं है, वो लेडी लोकी है जो कि हमें इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। और उसका भी बहुत ओपी रोल होगा, जिस तरह से लोकी खतरनाक है उसी तरह से फीमेल लोकी भी बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। तो गाइस यार मेरे हिसाब से आई थिंक आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि वो लेडी लोकी है ना कि नताशा रोमानोव है, ठीक है, तो फाइनली कंफर्म कर लो। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई एवेंजर्स 1 मूवी में तो ब्लैक वीडियो के सेम बाल थे, लेकिन आप याद करो ब्लैक वीडियो के बाल जो थे वो ब्लॉन्ड नहीं थे, वो हल्के रेडिश थे, ठीक है, और ब्लॉन्ड बाल जो थे वो ब्लैक वीडियो के इन्फिनिटी वॉर में थे। तो गाइज इन्फिनिटी वॉर वाली ब्लैक वीडियो तो हमें नहीं दिखेगी ना, मतलब इन्फिनिटी वॉर वाली ब्लैक वीडियो ना तो वॉर्मी में कूदने गई थी और ना ही एवेंजर्स 1 के टाइम में थी जहां से लोकी आया है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी इसकी नहीं है और ये फाइनल कंफर्मेशन है। अभी भी आप कमेंट करते हो तो मैंने बता दिया आप क्या हो, आप मार्वल का कंटेंट देखना छोड़ दो। तो भाई लोग जितने लोगों ने वीडियो देखा थैंक यू वेरी मच, जो लोग नॉर्मली कमेंट कर रहे थे मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं बनाया, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया जो गाली देके बोल रहे थे कि भाई तू तो गलत बोल रहा है, वो तो ब्लैक वीडियो है ही नहीं, समझ गए ना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ। और मैं वांडा विजन का ट्रेलर ब्रेकडाउन कर रहा था, पता नहीं क्या बनाने लगा, चलो वांडा विजन का ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी जल्दी आ जाएगा शाम से पहले। तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट, हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।